हे गाइस, वेलकम पेप कोडिंग। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका नाम है डिज़ाइन सर्कुलर डी क्यू। ओके, तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको ना क्यू डिज़ाइन करनी है। ठीक है, तो आओ चलो फिर हम इसको देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा होगा, एक माई सर्कुलर डी क्यू का फंक्शन दे रखा होगा जो डी क्यू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा होगा। ठीक है, और ये कुछ फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इतना ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने कर ही रखे हैं। जैसे लेवल वन में हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे कि स्टैक डिज़ाइन करना है, वैसे ही क्यू डिज़ाइन करनी है यूजिंग एरेज एंड ऑल, वैसे ही एक सर्कुलर डी क्यू डिज़ाइन करनी है। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं। तो मान लो कि ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर है जो डी क्यू बन चुका है। ठीक है, कैसे भी बनाते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमको पता ही है कि क्या होता है ये जो है इसका, एक सेकेंड, तो हमको पता ही क्या होता है कि ये इसका जो वो फ्रंट होता है और ये जो होता है यहाँ से वो रियर होता है। ठीक है, ये रेयर होता है, ये फ्रंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक टेस्ट केस है, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी, तो हमको जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन की, क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इंसर्ट लास्ट वन। ठीक है, तो इंसर्ट लास्ट फंक्शन क्या बोलता है पहले ये देख लेते हैं। हमको इंसर्ट लास्ट जो फंक्शन है वो कह रहा है एड्स एन आइटम्स एट द रेयर ऑफ द डी क्यू। ठीक है, ये मेरी डी क्यू है और क्या कह रहा है कि एड्स एन आइटम एट द रेयर ऑफ डी क्यू, मतलब रेयर में उसके ऐड करना। अभी तो चलो खाली है मेरी डी क्यू, तो कुछ ज़्यादा है नहीं रेयर में ऐड करूंगा, तो बात तो वही है कि अभी तक तो एक ही एलिमेंट जाएगा सबसे पहले। ठीक है, ठीक है जी, मैंने ऐड कर दिया। क्या ऐड करना है, वन ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है वन ऐड कर दिया अपना, पीछे से ऐड करना है रेयर में। ठीक है, ठीक है, ये वाला टेस्ट केस, ये वाला मेरा पार्ट हो गया। ठीक है, इंसर्ट लास्ट टू, सेम बात है, लास्ट से ऐड करना है, इंसर्ट एड्स एन आइटम एट द रेयर ऑफ डी क्यू। ठीक है, लास्ट से पीछे से ऐड करूंगा, जब मैं इंसर्ट लास्ट होगा तो यहाँ से रेयर से एंट्री होगी, और इंसर्ट फ्रंट होगा तो आगे से एंट्री होगी। ठीक है, तो अभी इंसर्ट लास्ट टू है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ पे टू एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो इंसर्ट फ्रंट थ्री, ये इंसर्ट फ्रंट थ्री। ठीक है, तो एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, तो थोड़ा सही लगेगा। हाँ ठीक है, तो अभी इंसर्ट फ्रंट थ्री की बात, इंसर्ट फ्रंट थ्री की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा कि फ्रंट से एंट्री होगी। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की, तो थ्री ऐड करना है हमने, तो थ्री फ्रंट से ऐड होगा, तो थ्री ऐसे यहाँ से ऐड हो जाए। ठीक है, ये तो समझ आ ही रहा है ना, इंसर्ट लास्ट, लास्ट करूंगा तो पीछे से एंट्री होगी, फ्रंट होगी तो आगे से एंट्री होगी। ठीक है, तो नॉर्मल सही है। इंसर्ट फ्रंट फोर, इंसर्ट फ्रंट हम उनसे देख ही लेते हैं, एड्स एन आइटम एट द फ्रंट ऑफ द डी क्यू, मतलब फ्रंट में ऐड होगा। ठीक है, इंसर्ट फ्रंट फोर है, तो यहाँ पे फोर ऐड हो जाएगा सबसे आगे। ठीक है, गेट रेयर, गेट रेयर फंक्शन कहाँ पे है, ये गेट रेयर, इसकी बात कर लेते हैं, गेट द लास्ट आइटम्स फ्रॉम द डी क्यू इज द डी क्यूज एम्प्टी रिटर्न है। ठीक है, तो क्या है कि लास्ट आइटम जो होता है डी क्यू का, जैसे इस टाइम पे लास्ट आइटम कौन सा है डी क्यू का, मेरी का इस टाइम पे मेरा लास्ट आइटम है टू। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को इसकी वैल्यू रिटर्न करनी है, और अगर क्यू खाली रहती है उसकी भी बात बाद में करेंगे, तो हमको क्या रिटर्न करना है, तो हमको नल रिटर्न करना है जब क्यू खाली रहती है। तो अभी तो टू प्रेजेंट है इसमें, लास्ट मतलब कि प्रेजेंट ही है, तो हमको हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करना है जो भी लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। लास्ट एलिमेंट क्या प्रेजेंट है, टू। तो मैं यार एक ना यहाँ पे एक आउटपुट सी लिख लेता हूँ, जिसमें क्या होगा कि आउटपुट लिखता जाऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी टू रिटर्न कर दूंगा, तो क्या होगा यार, मेरी आउटपुट में कुछ ऐसा दिखेगा टू, ये तो ऐड कर रहे थे, ऐड में तो कुछ रिटर्न नहीं करना था, तो आउटपुट टू आ गया। ठीक है, गेट रेयर हो गया। अब डिलीट लास्ट, हाँ जी डिलीट लास्ट फंक्शन देख लेते हैं। डिलीट लास्ट फंक्शन ये रहा, डिलीट द लास्ट आइटम फ्रॉम डी क्यू एंड रिटर्न इट्स वैल्यू इफ द डी क्यू इज एम्प्टी रिटर्न, सेम ही चीज़ है कि क्या करना है कि यार हमको ना डिलीट करना है लास्ट फंक्शन, लास्ट एलिमेंट जो भी था, तो मेरा इस टाइम पे टू है। ठीक है, याद रखना इसे, डिलीट करके मैंने डिलीट कर दिया मेरा एलिमेंट, डिलीट करके उसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न भी करनी है, और वैल्यू थी क्या, टू थी, तो यहाँ मैंने टू टू रिटर्न कर दिया, और साथ में अगर अगर मेरी डी क्यू एम्प्टी है तो मेरे को नल रिटर्न करना है, ये देखो। ठीक है, सॉरी मतलब ये देख लो। ठीक है, ठीक है, डिलीट लास्ट भी होगा। अब गेट रेयर की बात करते हैं, गेट रेयर में क्या होगा, सेम चीज़ है आई थिंक, गेट रेयर वन रिटर्न करना है, इसमें डिलीट कुछ करना नहीं है, बस हमको वन एक्सेस करना है कि वन क्या है, और यहाँ से वन को रिटर्न कर देना है। ठीक है, ठीक है जी, गेट रेयर भी हो गया। अब बात करते हैं डिलीट लास्ट की, डिलीट लास्ट भी हमने बात कर ली थी। डिलीट लास्ट में क्या होगा, दोबारा से लास्ट एलिमेंट डिलीट करूंगा मैं, वन डिलीट करूंगा और यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, डिलीट लास्ट भी हो गया। अब क्या रह गया, इंसर्ट फोर, इंसर्ट फोर में क्या होता है यार, आगे से मेरे को फोर ऐड कर देना। ठीक है, गेट फ्रंट, गेट फ्रंट, गेट फ्रंट, गेट फ्रंट, ये रहा गेट फ्रंट, गेट्स द फ्रंट आइटम फ्रॉम द डी क्यू इफ द डी क्यू इज एम्प्टी रिटर्नल। ठीक है, तो हमको क्या करना है, गेट फ्रंट में क्या करना है कि जो पहला एलिमेंट रहेगा, फ्रंट एलिमेंट होगा, हमको वो रिटर्न करना है नॉर्मली। ठीक है, तो फोर प्रेजेंट है इस टाइम पे, तो मैं यार फोर रिटर्न कर दूंगा, और अगर कुछ प्रेजेंट नहीं रहता तो मैं रिटर्न नल कर देता। ठीक है, ये देखो रिटर्न नल कर देता है यहाँ से। ठीक है, अब बाकी टेस्ट केस क्या क्या रह गया यार, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं साथ में लिख लेता हूँ कुछ, जैसे मान लो मैंने इसके आगे लिख दिया था डिलीट फ्रंट। ठीक है, डिलीट फ्रंट हो गया, और कौन सा रहता है, इज एम्प्टी। ठीक है, तो
एक डिलीट लास्ट लिख लेता हूँ, डिलीट फ्रंट डिलीट लास्ट, एक लिख लिया मैंने इज एम्प्टी फंक्शन, ठीक है इज एम्प्टी लिख लिया, और एक और डिलीट फ्रंट कर दूंगा इसके ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है डिलीट फ्रंट, डिलीट फ्रंट, अब यहाँ पे गेट फ्रंट, ठीक है ये दो चार फंक्शन मैंने खुद से लिखे ताकि सारे फंक्शन एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है। डिलीट फ्रंट की बात करते हैं, तो डिलीट फ्रंट कहाँ पे है, हाँ जी यहाँ पे है, ठीक है। डिलीट द फ्रंट आइटम फ्रॉम द डी क्यू एंड रिटर्न इट्स वैल्यू, इफ द डी क्यू इज एम्प्टी रिटर्न नल, ठीक है। तो मेरे को यार पहला आइटम जो है वो डिलीट करना है अपना और उसकी वैल्यू रिटर्न कर देनी है, तो मेरा पहला आइटम रिटर्न होगा जैसे 4 है मेरा आइटम, तो यहाँ से मेरे को 4 रिटर्न कर देना है और वो 4 डिलीट भी कर देना, ठीक है। ठीक है जी, डिलीट फ्रंट भी हो गया, डिलीट लास्ट हमने कर ही लिया कि लास्ट आइटम है उसको डिलीट कर देना और वहाँ से रिटर्न उसकी वैल्यू कर देनी है, यार मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है 3। तो अब क्या रहता है, इज एम्प्टी, यार इज एम्प्टी क्या कर रहा है, चेक वेदर डी क्यू इज एम्प्टी और नॉट, देख अगर मतलब कि मेरी जो डी क्यू है अगर वो एम्प्टी रहेगी तो मेरे को ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज मेरे को फॉल्स रिटर्न करना है। तो अभी मतलब कि मेरी जो डी क्यू है ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो मेरे को क्या रिटर्न करना है यार, मेरे को ना फॉल्स रिटर्न करना है, फॉल्स प्रिंट करा देना है, ठीक है। ठीक है अभी ये भी हो गया, अब डिलीट फ्रंट, डिलीट फ्रंट में यार पता ही क्या करना है कि सबसे आगे वाला एलिमेंट डिलीट कर देना और रिटर्न कर देना, ठीक है और आ गया। अब आ गया गेट फ्रंट, गेट फ्रंट यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, गेट द फ्रंट आइटम फ्रॉम द डी क्यू इफ द डी क्यू इज एम्प्टी रिटर्न, यार अब मेरी ना डी क्यू खाली हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है, तो मेरे को इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रिटर्न नल करना है, बेसिकली नल प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरी ना डी क्यू खाली हो जाएगी, अब मैं यार अगर कुछ भी इनमें से जैसे गेट रेयर करूंगा, गेट फ्रंट करूंगा, डिलीट लास्ट करूंगा, डिलीट फ्रंट मतलब कि ये अगर मैं करता हूँ तो मेरे को ना रिटर्न नल ही मिलने वाला है, ठीक है मेरे को नल ही मिलेगा यहाँ पे, ये देख लो ये रिटर्न नल अगर मेरी डी क्यू एम्प्टी, ठीक है। तो ये सब चीज़ समझ आ गई। अब अगर कोई अगर अब कोई इज एम्प्टी फंक्शन कॉल करता है तो उसको ना ट्रू मिल जाएगा क्योंकि अब मेरी जो डी क्यू है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो यार ये हमने समझ लिया कुछ, प्लस यार हाँ अब देख लेते हैं कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में एक्चुअली हम करेंगे क्या, ठीक है। तो मेरे को डी क्यू इम्प्लीमेंट करनी है, सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि डेटा स्ट्रक्चर को क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ, यार हाँ ठीक है ना मैं ना एरे यूज़ कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। एरे में क्या होगा कि मेरे को एक मतलब कि फिक्स साइज होता है एरे का, ठीक है। तो यार अब इसमें क्या है कि इसमें कहीं ऐसा दे नहीं रखा मेरी डी क्यू में कि जो साइज है वो फिक्स्ड है या फिर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो एक हिसाब से मेरी डी क्यू ना मेरे को डायनामिक लग रही है, जो मेरी डी क्यू है वो मेरे को डायनामिक लग रही है, तो एरे तो डायनामिक होता नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, ठीक है इसमें। तो ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब हमको ऐड कराना है, बट इसका जो साइज़ है वो फिक्स होता है। अगर हम दोबारा अगर डबल साइज़ का एरे बनाएंगे, जैसे मान लो क्या करते थे, अगर दोबारा डबल साइज़ का एरे बनाएं तो टाइम लगेगा, ठीक है। ठीक है जी, एरे की बात होगी। अब यार वेक्टर, जैसे वेक्टर यूज़ करेंगे अगर, तो वेक्टर यूज़ करने में भी सही है, मतलब इसमें क्या होगा कि डायनामिक रहता है और हम मतलब कि अपने लास्ट में ऐड कर सकते हैं वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, और एक्सेस भी कर सकते हैं आराम से, कोई भी वैल्यू हम आगे से या पीछे से कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, पर इसका बेसिकली ना काम एरे जैसा रहता है, मतलब समझ रहे हो ना, तो इसलिए वेक्टर भी नहीं यूज़ करेंगे। तो यार इसमें ना हमारे पास एक ही डेटा स्ट्रक्चर बचता है, वो है लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि मेरे पास मतलब कि इसमें मैं क्या करूँगा, लिंक लिस्ट होगी मेरे पास, यार इस बार ना मैं डबली लिंक लिस्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसमें करने क्या वाले हैं, इसमें क्या होगा कि मतलब मेरे को कोई सीधा स्पेस भी नहीं चाहिए रहेगा, मतलब ऐसे कुछ कि मेरे को स्पेस चाहिए वो भी एकदम सीधा सीधा, तो इसमें मतलब कहीं भी मैं मतलब कि अपनी लिंक लिस्ट बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिंक लिस्ट बनाऊंगा यहाँ पे, पर इसमें लिंक लिस्ट में क्या करूँगा मैं, आप ये चीज़ देख लो एक बार, ऐसी कुछ लिंक लिस्ट रहेगी मेरी, एक सेकेंड, मान लो कि मैंने ये लिंक लिस्ट बनाई, तो मेरे पास यार फ्रंट रहेगा लास्ट रहेगा, पहले बाकी बातें कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि फ्रंट को मैं आराम से एक्सेस कर सकता हूँ, पर जब मैं लास्ट को एक्सेस करने जाऊँगा तो यार मेरे को पूरी वाली इंग्लिश ना दोबारा से आइट्रेट करनी पड़ेगी, मतलब कि आइट्रेट करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा ना यार कि ना मैं डबल पॉइंटर ले लूँगा, तो मतलब कि ये एक होगा नेक्स्ट नोड, आपको पता ही है ना नेक्स्ट करते हैं यूज़, और एक प्री, मतलब कि एक प्री ले लूँगा जो क्या होगा कि इसके पिछले वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, वैसे ही इस चीज़ में। तो अगर मेरे को लास्ट गेट करना है तो मैं यहाँ से अब मतलब कि मिल सकता है। प्लस एक और चीज़ मैं ना मतलब कि क्या करूँगा यार, एक ना डमी हेड बनाऊँगा जो असली हेड के, ये डमी हेड होगा ना मेरा और ये मेरा होगा ओरिजिनल हेड, ये मेरा होगा ओरिजिनल टेल, और मैं ना एक डमी टेल बना दूंगा, जिससे क्या रहेगा ना यार मैं ना लास्ट एलिमेंट को और फर्स्ट एलिमेंट को बहुत प्यार से एक्सेस कर सकता हूँ।
और क्या चीज़ रहेगी कि अगर मेरे को जैसे कुछ ऐड करना है, जैसे मान लो कि मैंने ना स्टार्टिंग में ना सबसे पहले ना मेरी इंग्लिश कुछ ऐसी रहेगी, ये डमी हेड होगा जो डमी टेल को पॉइंट कर रहा है, और डमी टेल का प्रयोग उसको पॉइंट कर रहा है। अब मान लो कि मेरे को पहला एलिमेंट क्या करना है, ऐड कराना है, तो इसमें मैं ना आराम से डमी हेड के बीच में ऐड करा दूंगा, और ये कैसी लग, ये मेरी इंग्लिश कैसी लग जाएगी। मैं क्या करूँगा कि डमी हेड को जो भी मैंने एलिमेंट ऐड कराया है, मान लो ये ए एलिमेंट है, इसको पॉइंट करा दिया, और ए के एलिमेंट को मैंने डमी टेल पे पॉइंट करा दिया, और इसका प्री मैंने ये कर देना है, और ए का प्री मैंने डमी हेड कर देना है। तो मेरे को मतलब कि थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं, जैसे मेरा जो हेड है वो नल है कि नहीं, वैसे ही टेल के लिए तो नल पॉइंट एक्सेप्शन, ये है कि नल पॉइंट एक्सेप्शन इसमें हैंडल हो जाती है, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, इसलिए वो इसलिए हम बना, वैसे भी नॉर्मली भी कर सकते हैं, बट इसके लिए है कि मेरे को बार बार चेक ना करना पड़े कि नल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ थी। तो लिंगलिश हमने हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम डबली ले रहे हैं, और डबली मतलब कि दो पॉइंटर क्यों ले रहे हैं, ताकि मेरे को ऐसे बार बार आइटरेट ना करना पड़े। मान लो मेरे को अगर लास्ट मेरा जो लास्ट मतलब टेल है वो मेरे को एक्सेस करनी, तो यार मेरे को क्या करना पड़ेगा कि पूरी आइट्रेशन करनी पड़ेगी एक बार, ठीक है, जब तक तो टेल कनेक्शन नल नहीं हो जाता है, फिर कुछ ऐसा, तो मेरे को पूरी आइट्रेशन करनी पड़ेगी। तो इससे मैंने क्या किया है, एक डमी टेल बनाया है, और उसके बस मैंने प्रीवियस देखना है कि क्या होता है, तो जो प्रीवियस होगा वो टेल होगा। ठीक है, और बेसिकली मेरी लिंग्लिश कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट, मतलब कि मेरी लिंग्लिश ना यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, यार एक सेकेंड, मेरी इंग्लिश ना यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ये वाले ये जो पॉइंटर है ना, ये चीज़ ये डमी है, तो हम ये अपनी इंग्लिश में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो इतनी इतनी मेरी इंग्लिश टेस्ट टाइम पे। ठीक है, ठीक है, इस इंग्लिश की बात होगी। चलो ठीक है, फिर एक बार कोड करके देख लेते हैं, इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं इसमें। ठीक है गाइस, आ जाओ कोड करते हैं। तो यार अभी कोड कर लेते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कि कोड कैसे। अच्छा, हमको हमको क्या दे रखी है यार, एक ना माई सर्कुलर डी क्यू दे रखी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि सबसे पहले तो यार मैं नोड की क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक सेकेंड, क्लास क्लास नोड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा यार, मेरे पास एक डेटा रहेगा, एक सेकेंड मैं इसको पब्लिक भी बना लेता हूँ ताकि मेरे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसमें मेरे पास एक डेटा रहेगा, ठीक है, और दो नोड रहेंगे, नोड होगा एक मेरे पास नेक्स्ट नोड होगा, ठीक है, और मेरी क्लास में एक नोड होगा जो होगा प्री नोड। ठीक है, ठीक है जी, ये काम भी हो गया। अब ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, तो अब अगर यार मेरे को अगर किसी ने नोड, एक सेकेंड, प्लस ये चीज़ कि अगर मेरे पास जो नोड है, ठीक है, तो अगर वो ठीक है उसमें वैल्यू पास होती है, कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू पास होती है, मेरे पास जो उसका डेटा रहेगा, ठीक है, तो मेरे पास डेटा डेटा रहेगा वो किसके बराबर होगा, वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरे पास इतना इतना काम हो चुका है, और यार यहाँ पर भी मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ ताकि इसमें भी फिर बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको मैंने पब्लिक कर दिया। ठीक है, मेरी लगभग लगभग नोट क्लास हो चुकी है, तो बाकी चीज़ें बाद में करते हैं डिस्कस की, इसमें बाकी करना क्या है। ठीक है, तो और ये ऐसे रहेगा, मेरी क्लास ऐसे ख़त्म होती है। ठीक है, ठीक है जी, ये बात हो चुकी है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है यार, अब मेरे को क्या करना है कि अपना एक नोड बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे पास रहेगा नोड एक हेड, ये मैं डमी हेड बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास रहेगा एक डमी हेड और डमी टेल। ठीक है, मैं वो जनरेट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये मेरे पास नोड होगा हेड, ठीक है, और ये मेरे पास रहेगी टेल ना। मैं एक यार साइज ले रहा हूँ जो बराबर रहेगा किसके, जीरो के बराबर रहेगा, इनिशियली तो जीरो के बराबर ही होगा ना वो। ठीक है, तो मैं इसको इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी यार जो मेरी क्लास है, ये मेरी अगर जैसे कॉल हुई जब, तो इसमें क्या क्या करना है मेरे को, इस क्लास में मेरे को क्या क्या करना है। सबसे पहले तो एक नोड बनेगा, ठीक है, नोड तो वैसे हमने बना ही लिया है, हेड और टेल। ठीक है, तो हमको जस्ट उनको बनाना ही है ना, तो न्यू नोड होगा मेरे पास, ठीक है, नया नोड होगा, ठीक है, और एक मेरे पास टेल रहेगा, ठीक है, न्यू, एक सेकंड, ठीक है, न्यू, यार एक चीज़ जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे वैल्यू को इंटीजर रहेगा ना, ठीक है,
प्लस अगर जैसे किसी ने कोई वैल्यू नहीं पास करी तो मेरे को वो भी हैंडल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नोड और इनिशियली यार मैं डेटा लेट से अगर कुछ पास नहीं हुआ तो ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज वैसे जीरो कर दिया, तो जीरो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोड बनाया एक नया और जो मेरा वो है टेल नोड, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है यार, मेरा जो डमी हेड है तो हेड का जो मेरे पास नेक्स्ट रहेगा वो कहाँ होगा, वो टेल पे होगा, ठीक है। और जो मेरे टेल का प्रयोग इनिशियली सबसे स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब जैसे मेरी सर्कुलर डी क्यू क्लास कॉल हुई है, ठीक है। तो अभी इस टाइम में मेरी इंग्लिश कुछ ऐसे ऐसे दिख रही है, तो इसमें कुछ भी नहीं है अभी, ये डमी हेड है यार। ओके, तो ये मेरा डमी हेड है, ठीक है। और ये इसको पॉइंट कर रहा होगा डमी टेल को। अभी वैसे मेरी लिंग्लिश खाली है, इन दोनों के बीच वाला पार्ट होता है मेरा लिंग्लिश का, पर वो इस टाइम पे खाली है तो मेरी लिंग्लिश कुछ है ही नहीं इस टाइम पे, ठीक है। ठीक है, ये काम हो गया। और मेरा जो साइज है वो इनिशियली क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आओ यार, अब इंसर्ट फ्रंट की बात कर लेते हैं, इंसर्ट फ्रंट में करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि मान लो यार ये ना ये ले लो, ठीक है, ये मेरा डमी हेड रहेगा, ठीक है। और मान लो अब मेरे को क्या, मान लो कि मेरे पास पहले से कुछ एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, कुछ भी ऐसे, ठीक है। और ये मेरा डमी टेल हो गया, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को इंसर्ट फ्रंट करना है ना सबसे पहले, तो मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पे मेरे पास मान लो कुछ एक्स आया, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करूँगा कि ये एक तो नया नोड मेरे पास एक्स वैल्यू आई है, ठीक है। तो मैं एक नया नोड बनाऊंगा सबसे पहले तो, ठीक है। नए नोड में मैं क्या करूँगा कि नए नोड का जो मेरा नेक्स्ट होगा ना, मैं वो डमी हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दूंगा, ठीक है। ये करा देना है मैंने, ठीक है। और मेरे नए नोड का ही जो प्री है वो मैं क्या करूंगा कि डमी हेड पे पॉइंट करा दूंगा। अब लिंक हो चुका है अपने आप में। अब मैं क्या करूंगा कि डमी हेड का जो मेरा नेक्स्ट रहेगा ना, यार ये चीज देखना, सॉरी, जो मेरे डमी हेड का नेक्स्ट है वो इस टाइम पे ए है, ठीक है। तो मैं यार इस ए का जो प्री है ना वो कहाँ पॉइंट करा दूंगा, अपने इस वाले नोड पे पॉइंट करा दूंगा। और अपने डमी हेड का जो मेरा नेक्स्ट है ना वो मैं अपने नए नोड पे पॉइंट करा, देखो। अब ये चुप करके, अब ये इजीली मतलब कि ऐड हो चुका है, ठीक है। एक बार हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि एक नया नोड बनाऊंगा, न्यू सॉरी नोड एन ले लिया मैंने, ठीक है। उसको तो मैंने नया नोड बना दिया, ठीक है, नया न्यू नोड, और जो वैल्यू है वो पास कर दी, ठीक है। ये मेरा नया नोड बन चुका है इस टाइम पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यार नए के ना नेक्स्ट में न्यू नोड डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वल्स टू वॉट हेड हेड डॉट नेक्स्ट हेड का नेक्स्ट, ठीक है। तो मेरा वो डमी हेड है वो इस टाइम पे ये है, तो डमी हेड का जो नेक्स्ट है, एक बार ना मैं दोबारा से वही चीज़ करके दिखा देता हूँ, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। तो मेरा डमी हेड था पहले, ये इसको पॉइंट कर रहा था, ये इसको पॉइंट कर रहा था, मैंने एक नया नोड बना लिया एन, जिसकी जो भी वैल्यू थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया यार, इस पॉइंट मैंने क्या किया है कि मैंने हेड के नेक्स्ट मतलब कि इसके नेक्स्ट जो है इसका जो नेक्स्ट पॉइंट करा दिया हेड के नेक्स्ट पे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। और क्या किया कि फिर यार एन का जो प्री है ना, एन का जो प्री है वो मैंने पॉइंट करा दिया हेड पे, ठीक है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना काम किया मैंने, ठीक है। अभी इसमें क्या किया है, जो मेरे एन का प्री है ना वो मैंने हेड पे पॉइंट करा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ यार कि मेरे जो हेड का नेक्स्ट है, मेरा हेड ये है इस टाइम पे, ठीक है, और मेरे हेड का नेक्स्ट ये है, ठीक है। जो मेरे हेड का नेक्स्ट है मैं उसका जो प्री है ना वो अपने नोड पे पॉइंट करा दूंगा, तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा वो, ठीक है। ठीक है, ये काम कर लेते हैं। तो जो मेरे हेड का जो नेक्स्ट है उसका जो प्री है, जो मेरे हेड का नेक्स्ट है उसका जो प्री है वो मैंने पॉइंट करा दिया अपने नोड पे, ठीक है। और उसके बाद क्या किया कि मेरे हेड का जो नेक्स्ट है ना, हेड का जो नेक्स्ट है उसको मैंने पॉइंट करा दिया नोड पे, बस इतना सही काम करना है यार। देखो इतना तो काम समझ आ गया ना कि मैंने अपने हेड के नेक्स्ट का जो प्री है पहले वो हेड पे पॉइंट करा था, मैंने उसको हटा के एन पे पॉइंट करा दिया। अब मैंने अपने हेड का जो नेक्स्ट है उसको हटाया और यार मैंने उसको अपने नोड पे पॉइंट करा दिया। अगर आप लिंक इसको कुछ ऐसे देखेंगे तो डमी हेड यहाँ रहेगा और फिर मेरा जो नोड है वो इस टाइम पे कनेक्ट हो चुका है, नोड यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, वैसे बी यहाँ आ जाएगा, और ये मेरा रहेगा डमी टेल। अब आपको समझ आया कि डमी मतलब कि मैंने डमी हेड क्यों यूज किया है, इस कारण ताकि ये मेरा क्वेश्चन इजी हो जाए, ठीक है। तो हाँ इतना सही था। चलो अब एक बार यार उसके लिए बात कर लेते हैं हाँ प्लस यार एक और चीज़ इनमें बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये मेरा डमी हेड था, ठीक है।
यहाँ पे एक और रन ले लेता हूँ, इसकी बात बात बता। और प्लस यार मैं ना अपने साइज को ना साथ साथ में ना मेंटेन करके चलूंगा, ये भी आपको पता लग, क्योंकि यार साइज अभी जैसे नोड आ गया है तो साइज तो बढ़ाऊंगा ना, जितना भी पहले साइज था, अभी 0 था मान लो, एक एक मैंने ऐड किया है, तो बेसिकली क्या हुआ है, यही चीज हुई है। ठीक है ठीक है, अब इंसर्ट लास्ट में भी ना यार सेम ही चीज करने वाला हूँ मैं, देखो क्या करते हैं। तो मेरा ये नोड आ गया एन, तो मेरे को लास्ट में इंसर्ट करना है, मतलब मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है, मेरा लास्ट तो बी के बाद ही है ना। ठीक है जी, करके देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ यार, सबसे पहले तो वही चीज़ की जो मेरे एन का नेक्स्ट है ना, वो मैं अपने डमी टेल में पॉइंट करा दूंगा, और मुझे मेरे जो एन का प्री है ना, वो मैं अपने डमी टेल के प्री पे पॉइंट करा दूंगा। ठीक है ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि यार जो मेरे डमी टेल का प्री है ना, जो मेरे डमी टेल के प्री का नेक्स्ट है, ये मैं यहाँ से हटाऊंगा। पहले तो मैं यार इतना काम कर लेता हूँ, पहले जो इतना इतना भी मैंने लिखा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि एक तो मैं नया नोट बनाऊँगा जो कुछ कुछ सेम ऐसा ही होगा, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे नया नोट बन चुका है मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जो नोट का मेरा जो नेक्स्ट है वो मैंने पॉइंट करा दिया किस पे, अपने टेल पे। ठीक है, अब मेरे जो नोट का मेरे जो नोड नोड सॉरी नोड नहीं यार, यहाँ पे एन होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे एन है मेरे जो एन का, मेरे जो एन का प्री है वो मैंने पॉइंट करा दिया कहाँ पे, अपने टेल के प्री पे। ठीक है, जो मेरे टेल का प्री था वही अब मेरे नोड का भी प्री है। ठीक है, और मेरे जो नोड का नेक्स्ट है वो मेरा टेल है अभी इस टाइम। ठीक है ठीक है जी, मैंने इतना काम कर दिया है। अब मैं यार यहाँ क्या करने वाला हूँ कि जो मेरे टेल का प्री है का जो नेक्स्ट है उसको मैंने क्या बना दिया, अपना नोड। देखो मैंने यहाँ क्या किया, जो मेरे नोड का जो मेरे टेल का प्री है, मेरे टेल का प्री क्या है, ये बी है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से इसके प्री को हटा दिया, और नहीं इसके नेक्स्ट को हटा दिया, सॉरी ये ऐसे पॉइंट करा, जो मेरे मतलब कि टेल के प्री का जो नेक्स्ट है, बी का जो नेक्स्ट है, वो मैंने कहाँ पॉइंट करा दिया यार, मैंने वो सीधा ही ना एन पे पॉइंट करा दिया, मैंने यही काम किया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद का मेरा क्या काम रह जाता है कि मेरा जो डमी टेल है ना, जो मेरे डमी टेल का प्री है, मैं उसको हटा के बी से कहाँ पॉइंट करा दूंगा, एन पे पॉइंट करा दूंगा, बस मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इतना सही काम था यार मेरा। तो मेरे जो टेल का जो प्री है, तो जो मेरे टेल का प्री है उसको मैंने कहाँ पॉइंट करा दिया, नोड पॉइंट करा दिया, मैंने अपना साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मेरा इंसर्ट लास्ट वाला भी काम हो गया। ठीक है, अब डिलीट फ्रंट की बात करते हैं यार। अब डिलीट फ्रंट में ना सबसे पहले तो मैं ना अपनी वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, जैसे मेरी वैल्यू है कुछ, जैसे मान लो कि मेरी वैल्यू है हेड का नेक्स्ट, जो मेरा हेड है वो डमी हेड है। ठीक है, तो उसकी जो उसका जो डेटा है, ठीक है उसका जो डेटा है वो मेरी वैल्यू है। ठीक है, अब मेरे को जैसे डिलीट करना है, तो मैं इसको क्यों स्टोर करा रहा हूँ, क्योंकि डिलीट तो कर देना मैंने, डिलीट करने के बाद क्या करना है मेरे को, वो रिटर्न भी करनी है इसकी वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा था मेरे को। ठीक है, तो मैंने क्या किया अभी 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 मैंने यार इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू स्टोर करा ली है, तो अब डिलीट करना है मेरे को। डिलीट करने के लिए यार मैं ना क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं इस नोड को एक्सेस कर लेता हूँ, सीधा नोड ही निकाल लेता हूँ, मैं वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो मैंने ये ना यार नोड ही ले ली, मान लो नोड जो भी मेरी नोड है, मान लो एन थी, तो मैंने यहाँ पे एन नोड ले ली, और ये तो हेड का जो नेक्स्ट है वो मेरी नोड नोड रहेगी। ठीक है, अब मैंने ना यार एक ना फंक्शन लिख लिया ना, जैसे मान लो कि मैंने एन का एक फंक्शन लिखा हुआ है डिलीट, ये मेरे को क्या करके देगा यार, ये मेरे को ना डिलीट करके दे देगा वैल्यू। ठीक है, ये मेरे को कुछ नहीं करना है, बस मेरे को अपनी वैल्यू डिलीट करके दे देगा, मैं ये फंक्शन बना लूंगा, मान के चल रहा हूँ कि मैं क्लास में अपनी नोड क्लास में फंक्शन बनाऊंगा और ये मेरे को अपनी वैल्यू डिलीट करके दे देगा। अब डिलीट करके दे दी तो मेरे को रिटर्न क्या करना है यहाँ से, सीधा अब रिटर्न करने था मेरे को रिटर्न कर देना है क्या, एन का जो भी मैंने एन बनाया था हेड डॉट नेक्स्ट, हेड का जो नेक्स्ट था वो मेरा एन था। ठीक है, अब जो मेरी एन की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ से रिटर्न कर देनी है। ठीक है, अब डिलीट लास्ट में भी सेम ही चीज़ होगी, इसको कॉपी कर लेते हैं फिर सेम टू सेम, बस क्या इसमें चेंजेस क्या रहेंगे कि वो मेरे टेल का प्री था। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब यार डिलीट फंक्शन भी देख लेते हैं एक बार की बनाएंगे कैसे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है यार, एक बार एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मान लो कि डमी हेड है, ये डमी ये ए है, ये बी है, और ये सी है। एक बार मैं लिख लेता हूँ कोड, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है ठीक है, तो मेरा ये फंक्शन है वही डिलीट। ओके,
ठीक है जी। अब मैंने इसमें क्या किया है कि यार मैं क्या करूँगा ना, नेक्स्ट के एक सेकेंड, ये देखो। अब जैसे मान लो कि मेरे को ये चीज़, ये वाला नोड हटाना है, और ये नोड मैंने एक्सेस कर लिया, और एंड ऑफ डिलीट जो मैंने फंक्शन है वो कॉल कर दिया, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट ये होगा, ठीक है, सॉरी, इसका नेक्स्ट ये होगा, और जो है वो प्री ए होगा, प्री ए होगा, और जो नेक्स्ट है वो सी होगा। तो यार मेरे को क्या करना है, प्री के नेक्स्ट में नेक्स्ट पॉइंट करा देना है, और नेक्स्ट के प्री में प्री पॉइंट करा देना है, बस इतना सा काम है। थोड़ा एक बार सोचना है, ठीक है। क्या किया मैंने कि प्री के नेक्स्ट में नेक्स्ट डाल दिया, प्री के नेक्स्ट में नेक्स्ट डाल दिया, और नेक्स्ट के प्री में प्री डाल दिया, बस यार मेरा नोड डिलीट हो गया। एक बार आप एक खुद देखना कि मैंने क्या किया है। यार मैंने जब कॉल किया है तो मेरे पास फंक्शन, मेरे पास क्लास में क्या रहेगा, एक प्री रहेगा और एक नेक्स्ट रहेगा, क्योंकि क्लास में तो मैंने प्री और नेक्स्ट डिफाइन किए हैं, एक प्री रहेगा नेक्स्ट रहेगा। तो मैंने क्या किया, सीधा ही प्री का जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट कर दिया, और नेक्स्ट का प्री जो है वो प्री कर दिया। तो ऑटोमेटिकली ये वाला ना डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है, बस इतना सा काम किया है, ठीक है। तो यार हमारा कोड तो लगभग लगभग ख़त्म ही हो गया है, हमने डिलीट फंक्शन भी बना लिया है। तो रिटर्न यहाँ पे वैल्यू कर दी थी मैंने, नो डिलीट कर दिया था, ठीक है। अब गेट फ्रंट में क्या करना है, प्लस यार हाँ एक और चीज़, एक चीज़ तो रह गई कि अगर मान लो यार मेरा जो साइज़ है वो ज़ीरो है, इफ़ मेरे मेरा जो साइज़ है मतलब मेरी क्यू ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यार, मैं यहाँ से ना रिटर्न, मेरे को नल करना था ना, पर मैं यहाँ से ना माइनस वन रिटर्न कर लेता हूँ। और ये आप यहाँ पे देखेंगे तो जब मैं डिलीट लास्ट कर रहा हूँ, और अगर मेरी वैल्यू माइनस वन आती है ना, तो यहाँ पे नल प्रिंट हो जाता है। तो मेरे को उसकी टेंशन नहीं लेनी, मेरे को बस माइनस वन प्रिंट कर देना है, मतलब कि रिटर्न कर देना, ठीक है। तो यही चीज़ फिर यहीं भी होगी डिलीट लास्ट में, कि अगर साइज़ ही नहीं है, वही चीज़ फ्रंट में भी होगी, ठीक है। तो यही चीज़ फ्रंट में भी होगी। तो और मैंने यहाँ से रिटर्न क्या करना, डायरेक्ट मेरे को रिटर्न कर देना यहाँ से हेड के, क्या गेट फ्रंट है ना, तो हेड में जो नेक्स्ट है उसका जो डेटा है वो मेरे को यहाँ से रिटर्न कर देना है, सेम ही, ओके वेट, और सेम ही चीज़ नीचे होने वाली है गेट ट्रेयर में, ठीक है। कि अगर हेड, इस बार क्या होगा, प्री का जो, सॉरी टेल का जो प्री है उसका डेटा रिटर्न करना है मेरे को, ठीक है। तो टेल का जो प्री है उसका डेटा मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब यार यहाँ पे क्या है, अगर मतलब कि वो एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है, तो फिर रिटर्न कब करना है, रिटर्न जब साइज उसका ज़ीरो है, ठीक है। बस इतना सा हमारा कोड है, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं, कुछ एरर आते हैं तो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, 17th लाइन यहाँ पे वैल्यू है, सॉरी, ठीक है, रन करके देखते हैं। लोड हो रहा है, एक बार 17th 68 रिटर्न एन वेल, एक सेकेंड, पहले तो मैं अपनी क्लास देख लेता हूँ यहाँ पे, सही है ना। कौन सी लाइन पे एरर आ रहा था, 68th लाइन, हेड का जो नेक्स्ट था फिर उसको डिलीट कर दिया, एन की, सॉरी यहाँ पे यार डेटा आएगा, वेल क्यों आएगा यहाँ पे, हमने डेटा लिखा ना उसमें, तो हर जगह डेटा ही आएगा। यहाँ पे गलती करी है हमने, यहाँ पे डेटा है, ठीक है ठीक है ठीक है, डेटा यहाँ पर जगह, दोबारा रन करके देखते हैं, उपसो कोई एरर ना आए, ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं, उप सबमिट हो जाए, टेस्ट केस फेल हो रहा है, एक बार रन टाइम एरर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या दिक्कत। हाँ, एक चीज़ नहीं की यार, ऑब्वियसली हमने एक चीज़ नहीं की, क्या नहीं किया कि यार जब हम डिलीट कर रहे हैं ना, तो हमको उसका साइज़ भी तो डिक्रीज करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, यहाँ पे साइज़ डिक्रीज करना है। रन टाइम एरर वो इसलिए दे रहा है क्योंकि डिलीट कर दे रहे हैं, साइज़ तो डिक्रीज़ नहीं कर रहे, बस ज़ीरो आ जा रहा है, तो दिक्कत हो जा रही है, ठीक है। वैसे तो हाँ, अब एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो यार ऐसे ही करना था ये क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया हो, नहीं समझ आया तो यार ये वीडियो दोबारा से देख लेना, प्लस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करना, और हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज, अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।